ओए होए भाई साहब, मज़ा आ गया हलवे को देख के तो। और ये रे भाई छोले, बिल्कुल फ्रेश छोले लग रहे हैं। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश दिस ईयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो गाइस, आज मैं आपको जो लेके आया हूं ना, बहुत ही यूनिक जगह लेके आया हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, SFC यानी कि सोनी फूड कॉर्नर। गाइस, अमर कॉलोनी में थोड़े दिन पहले ये रेस्टोरेंट खुला है, लेकिन इसकी जो बेदमी पूड़ी है और जो इसके छोले भटूरे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है गाइस। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आने का बेस्ट तरीका क्या है आपको बता दूँ। मूलचंद मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही आप बाहर आएंगे, गेट नंबर 1 के सामने ही ये वाला रोड जो आपको दिख रहा है, ये रोड बिल्कुल गेट नंबर 1 के सामने है। आप यहाँ पे आते रहिए, ज़्यादा अंदर नहीं है, हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। और राइट साइड पे आपके ये सोनी फूड कॉर्नर आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपको दिख जाएगा गाइस। एक बहुत मज़ेदार बात आपको बता दूँ गाइस, ये सुबह 5:30 बजे खुल जाता है। नॉर्मली 5:30 बजे रेस्टोरेंट नहीं खुलते हैं। तो सीधा चलते हैं, करते हैं ऑनर से बात। तो ये यहाँ पे भैया हैं, यहाँ के ऑनर हैं। तो सर, सबसे पहले भैया का नाम जानेंगे, क्या नाम है भैया आपका? सर प्रणव। कितना टाइम हो गया भैया आपके इस रेस्टोरेंट को यहाँ पे? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हो गया गाइज, और 1 महीने में इन्होंने इतना नाम फेमस हो गए हैं ये, कि मैं इतने दूर से इनका यहाँ पे रिव्यू करने आ गया हूँ। एक चीज़ आपको बताइए कि 5:30 बजे ही क्यों ये रेस्टोरेंट आप ओपन कर देते हो? सर रात को सुबह बहुत लोग होते हैं जो ऑफिस से आते हैं, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो एक मेरा मेन मोटिव ये था कि जो सुबह ऑफिस से लोग आते हैं उनको ब्रेकफास्ट मिल जाए, वो उसके बाद अपना सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दैट्स द मेन रीज़न सर। ओके, थैंक यू सर। तो भैया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ इतनी फेमस है जो लोग आके खाना पसंद करते हैं? सर मेन तो अट्रैक्शन जो है हमारी है वो है छोले भटूरे। ओके। और हम संडे को, एवरी संडे वी सर्व बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विद सूजी हलवा एंड मेथी की चटनी। अच्छा, हलवा मैंने सुना है कॉम्प्लीमेंट्री है तो? हाँ जी, बेडमी पूड़ी के साथ हलवा कॉम्प्लीमेंट्री है और गुलाब छोले भटूरों के साथ गुलाब जामुन का। अरे वाह भाई, कभी देखा है छोले भटूरे के साथ कहीं आपको गुलाब जामुन भी सर्व रहो, मतलब आपका मुंह मीठा करके ही आपको भेजेंगे। तो भैया, सब कितने रुपए प्लेट है बेदमी पूड़ी की और छोले भटूरों की? सर छोले भटूरों की जो प्लेट है हमारी वो है 65 रुपीज़ की, और बेडमी पूड़ी की प्लेट जो है वो है 60 रुपीज़ की। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनकी बेदमी पूड़ी और छोले भटूरे प्रिपेयर होते हैं। छोले भटूरे बन रहे हैं गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई स्टफिंग है या ऐसे ही है? पनीर वाले हैं। अच्छा, पनीर वाले, पनीर की स्टफिंग हो रखी है गाइज। ये रखे पनीर आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके। तो सबसे पहले डाल दिया है भैया ने इसमें, ये आप देख रहे हो। तो कितने भटूरे आते हैं एक प्लेट में? 2 पीस। अच्छा, 2 पीस है गाइज एक प्लेट में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखिए, अये हाय, और बात से देखिए। तो साइज़ जो है भटूरों का अच्छा खासा साइज़ है। तो टेस्ट तो अभी बाहर जब निकलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप साइज़ एक बार देख सकते हैं इसमें कढ़ाई में। सो गाइज, ये हमारे छोले भटूरों की प्लेट लग रही है यहाँ पे। ये डाल दिया इन्होंने आलू, जो नॉर्मली छोले भटूरों के साथ मिलता है। और ये रे भाई छोले, बिल्कुल फ्रेश छोले लग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि, बिल्कुल गाढ़े छोले हैं आप देख रहे हैं। और ये हरी चटनी, प्याज भी लगा दी इन्होंने, और ये लगा दिया भाई मिर्च डाला, क्या बात ही है भाई, मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे ये रहे हमारे छोले भटूरे, ये एक भटूरा आया। ओए होए, क्या बात है भाई, फाइनली मेरी हो चुकी है प्लेट रेडी। और ये रहा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन, जैसा कि आप देख रहे हो। तो गाइस, इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ, अभी बेदमी पूड़ी आपको बनते हुए दिखाता हूँ, फिर मैं दोनों को ट्राई करके आपको बताऊँगा कैसा है इसका टेस्ट। सो गाइस, ये हमारी बेदमी पूड़ी रेडी हो रही है। एक प्लेट में 4 पीस आते हैं। हाँ, तो एक चीज़ बताइए, बेदमी पूड़ी और नॉर्मल पूड़ी में डिफरेंस क्या होता है? इसमें अपना मसाला बनाया हुआ है, आटा अपना खुद का बनाया हुआ है। चलो एक बार इनकी बेदमी पूड़ी को ट्राई करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बात है। ओए होए, मज़ा आ गया गाइज देख के, कैसा लगा आपको? ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। इसकी जो लोकेशन है मैं उसका लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ये रहे बेदमी पूड़ी, अरे हाय क्या कलर आ रहा है आप देख रहे हो गाइज। तो ये रहे बेदमी पूड़ी के आलू, भाई साहब देखते ही मज़ा आ रहा है इन आलूओं को तो। और इसमें आएगा हमारा, क्या आएगा इसमें? वाओ, सूजी का हलवा भाई, पहली बार कहीं मैंने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऐसी चीज़ें ऐड हुई हैं।
अरे होए भाई साहब, मज़ा आ गया हलवे को देख के तो। भाई रुका नहीं जा रहा, मुंह में आ रहा है बहुत पानी। और यहाँ पे ये क्या है भैया? मेथी की चटनी। वाओ, मेथी की चटनी के साथ सर्व हो रहा है गाइज, ये मात्र 60 रुपए में है गाइज, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया इसे देख के। तो अब ये हमारी हो चुकी है रेडी, एक और प्लेट। वाह वाह भाई, मज़ा आ गया। ये देखो हमारी फाइनली हो चुकी है ये बेदमी पूड़ी की प्लेट रेडी। तो गाइज मैं इसको ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या टेस्ट है इसका। अंकल आए, इनसे थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले अंकल मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है जी कर्नल जेके मलिक, रिटायर्ड। ओह माय गॉड, सो अंकल कर्नल हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं जितने भी आर्मी से होते हैं। क्या क्या चीज़ आप स्पेशली यहाँ पे खाने आते हैं? हर चीज़, इनका प्यार। अच्छा, इनका प्यार, इनका प्यार और इनका जो हर चीज़। अच्छा, अभी आप क्या पैक करा रहे हैं अभी आप? बेदमी पूड़ी कैसी लगती है टेस्ट में आपको? एक्सीलेंट। तो आप कितना, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, कितने मार्क्स हो गए? 10 में से मैं तो 10 में से 11 दूंगा। ओह माय गॉड, 10 में से 11 दे दिए अंकल। थैंक यू सो मच अंकल फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। तो गाइज यहाँ पे आप इनका मेन्यू भी देख सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे बस छोले भटूरे और बेदमी पूड़ी ही मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि इनका स्वीट्स की, स्नैक्स की बात करें तो ढोकला है, खांडवी है, आलू समोसा है, मूंग दाल समोसा है, कचौरी है, आलू की सब्जी है, पिट्ठी वाली जलेबियाँ भी मिलती हैं गाइज। किसी दिन यहाँ पे जलेबियों का भी हम एक बार मैं आपको बनते हुए दिखाऊंगा। और ये मॉर्निंग का स्टफ़ यहाँ पे है, देख लीजिए अब क्या क्या है मॉर्निंग में। स्पेशल पनीर वाले तो हम खा ही रहे हैं, छोले भटूरे और बेदमी पूड़ी। एक चीज़ याद रखना कि संडे को ही होती है, जैसा कि हमें भैया ने बताया था, कोई भी एक होल, हाँ स्पेशल ओकेजन पे होती है तो संडे को होती है, या फिर जैसा कि आज मैं फर्स्ट को आप यहाँ पे आया हुआ हूँ तो उस टाइम पे होती है। तो गाइज़ आप इनका मेन्यू भी देख सकते हैं। सो गाइज़ ऑलमोस्ट ये देखिए मेरी लग चुकी है प्लेट, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये छोले भटूरे की प्लेट है और ये मेरी बेदमी पूड़ी की प्लेट है। और तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इनके छोले भटूरे जो आपको डेली मिलेंगे इनके पास। सो एक बार इनका इसका बनता है ट्राई करना। इनके जो छोले हैं वो लाजवाब हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही मज़ेदार छोले हैं। तो बनता है ना एक बार। गाइस प्रॉपर तरीके से मसाला डाला हुआ है, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक तरीके से है। तो एक और बार इसको ट्राई करते हैं। छोले भटूरे की जान होती है मिर्च और अचार। हाँ मज़ा आ गया। इनका जो लोकेशन है मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अमर कॉलोनी में है, मूलचंद मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से सामने आना है और राइट साइड पे इनकी शॉप आपको दिख जाएगी। सुबह 5:30 बजे ऑन हो जाता है। हाँ मज़ा आ गया भाई। अब हम इनकी ट्राई करते हैं बेदमी पूड़ी, जो लोग बहुत दूर दूर से आके खाना पसंद कर रहे हैं इनका, बहुत अच्छा लग रहा है। और तो एक महीना ही हुआ है यहाँ पर ओपन करा हुआ, लेकिन फिर भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो एक बार ट्राई करते हैं इनकी बेदमी पूड़ी भी। जो इनकी सब्जी का कलर है ना गाइस, मज़ा ही आ रहा है उस कलर को देख के। हाँ हाँ मज़ा आ गया भाई, बेदमी पूड़ी रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा एक बार आप यहाँ पे आइए और इनकी बेदमी पूड़ी को तो ज़रूर ट्राई करें। याद रखना संडे या कोई स्पेशल हॉलीडे होगा तभी बनेगा। इनको आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बेदमी पूड़ी बनी है या नहीं बनी यहाँ पे आने से पहले। हाँ मज़ा आ गया। नंबर डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और जब यहाँ पे आओ ना तो ज़रूर बताना कि कौन सी वीडियो देख के आप आए हो। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।